आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी वजह से पूरा पूर्णिया सीट जो है हॉट सीट हो गया। सर ये तो जनता की बदौलत होती है, मेरी क्या औकात है सर, मेरी क्या हैसियत है। पूरे जाति धर्म मजहब लोगों ने अलग छोड़ दिया, कौन राजपूत कौन ब्राह्मण कौन भूमिहार कौन दलित कौन गंगोत्री कौन कुशवाहा, सारे लोग यहाँ जाति रही ही नहीं। कौन शर्मा कौन तेली कौन मंडल कौन निषाद कौन पासवान कौन ऋषिदेव कौन राम बैस, सारे बैस निपाग पागलों की तरह। लेकिन पप्पू जी एक बात बताइए, आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन 22 लाख वोटर को सड़क पर नहीं निकाल पा रहे हैं, वोटरों की संख्या कम हो रही है। मतलब वोटर जो है टर्नआउट नहीं है, वोटरों टर्नआउट कम हो रहा है। सर यहाँ आप बेफिक्र है, सारे वोटर वोट गिराएंगे, एक एक वोटर चिंता ना करिए आप। सब बेटे के लिए पागल है, सब बेटे के लिए पागल है। जब जब पूरा देश के लोग एक व्यक्ति के खिलाफ यहाँ आ गए, वहाँ प्रधानमंत्री जी आ गए, नीतीश जी 3 बार आ गए, रोड शो कर दिए, एक लोगों ने तो यहाँ महाभारत की पटकथा लिखी पटना में, यहाँ आकर के उसकी स्क्रिप्ट लिखने लगी, सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल्स को अपने मंच पर बुला लिया, पप्पू यादव को गाली दिलवाया, माँ बहन को बेटी रोटी करवाया, और अंत में कल हमारे जिसको पिता मानता हूँ लालू यादव जी ने अपील तक कर दिया मेरे खिलाफ, करेंगे रोहिणी जी के खिलाफ अपील, हम तो रोहिणी जी के पक्ष में जाएंगे बहुत बात करें तो करेंगे। मैं इतनी गंदी राजनीति नहीं करता, और एक व्यक्ति को ख़त्म करने की साजिश क्यों? ये अब पप्पू यादव की लड़ाई नहीं है, ये एमपी की लड़ाई नहीं है, इतिहास लिखने की लड़ाई है। यहाँ से एक न्यू पॉलिटिकल एरा शुरू होगा 4 जून के बाद, और नई हिस्ट्री बनेगी। पूर्णिया ने एक हिस्ट्री बनाया जिस तरीके से प्रशासन से सबको तंग, जिस तरह अभिजीत सिंह डीएसपी ने वो भी मरवाने की साजिश रचा, डीएम ने जबरदस्ती मेरी गाड़ी को सीज किया। लगातार आपके गाड़ियों को सीज क्यों किया जाता है? तो आप पूछिए ना भैया, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आपके लोग की गिरफ्तारी भी हुई है? वही तो मैंने कहा कि क्यों, मैं नहीं, मुझको तो पता नहीं मेरे लोग की कहीं गिरफ्तारी हुई, आप उनसे पूछिए, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे रोकने के लिए सारे कर्म लगा दिए गए, मैं तो मुझे पूर्णिया की जनता ने तो हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ के आया, उसके दिल दिखाया मधेपुरा सुपौल को, मैं अपने माँ के साथ खड़ा हो गया, और माँ अपने बेटे को जिस तरीके से सपोर्ट की है, कोई ITN बाहर से आ रही है वोट गिराने, कोई कहीं से वोट, आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है। पप्पू यादव के लिए पूरे भारत देश विदेश से लोग आ रहे हैं वोट गिराने, सब लोग ये जानना चाहते हैं पूर्णिया का क्या हुआ, पूर्णिया का क्या हो रहा है। तो आप जाइए ना, सभी दल के वर्कर मेरे साथ हैं, सभी दल के वोटर मेरे साथ हैं, सभी कास्ट के माँ बहन की बेटियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। पप्पू पूर्णिया नहीं लड़े, इसके लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? ये तो उनसे पूछिए ना भैया, पप्पू को माँ से और मिट्टी खून से कैसे अलग करोगे? आप जाओ ना अपनी बहन के लिए लड़ो ना। प्रधानमंत्री जी मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मेरे ही खिलाफ क्यों? नीतीश जी को तो मैं भाई मानता हूँ, मेरे ही खिलाफ क्यों रोड शो किए? एक व्यक्ति को मारने और खत्म करने की इतनी गहरी साजिश क्यों? आप जिनसे मिलने गए थे लालू यादव से, वो भी तो आपके खिलाफ चले गए। सर मैंने कहा ना, मैं आशीर्वाद लेने तो जाऊंगा ही ना, आशीर्वाद देना ना देना तो उनकी जिम्मेदारी है, दूध तो चढ़ाऊंगा इस शिव के पर, भैरव पर शराब तो चढ़ाऊंगा, इस शनि पर सरसों तो चढ़ाऊंगा ही, आशीर्वाद देना तो उन लोगों का काम है। लेकिन जिस तरीके से नेगेटिविटी राजनीति, नकारात्मक राजनीति यहाँ बैठ के की है कि NDA को दे दो, तो और जगह क्या कहोगे? मधेपुरा सुपौल में क्या कहोगे? इंडिया को दे दो, और जगह क्या बोलोगे? आप उनसे पूछिए ना सर, कितना इन्होंने ट्रस्ट को पीच किया है, सेंटीमेंट को टच किया है, कितना जज्बात के साथ खेला, उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये आप आम वोटर के जज्बात के साथ कैसे खेल सकते हो? पप्पू जी एक एक सवाल मेरा ये है कि पप्पू यादव लगातार पूर्णिया से जुड़ा रहा, पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ता रहा, पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया ही नहीं पटना को भी अपनी कर्मभूमि बनाया, इस बार पूर्णिया को लेकर के पप्पू का मुद्दा क्या था? उसको मुद्दा जो गडकरी ने क्या कहा था कि मैंने पप्पू यादव से जैसा विकास करने वाला और लड़ने वाला व्यक्ति नहीं देखा मधेपुरा, उन्होंने आगे गडकरी ने अपनी मुँह से कहा बेचारे, सब लोग सारे मंत्री नाराज हो गए, बोला जो नाराज हो जाइए, जो सही है सारा है ना, सारी चीज़ें आप उठा करके देखिए क्या बोला, आप उसको उठाइएगा ना। आपको क्या लगता है कि पूर्णिया का जो वोटर है, पूर्णिया के जो लोग हैं, पूर्णिया के जिस तरह के टर्नआउट है,
उसमें क्या हालात क्या होंगे आने वाला दिन 4 जून, क्या डिसीजन? देश भर के लोगों का ब्लेसिंग आप देखिए, आपकी ब्लेसिंग, आपके पत्नी की ब्लेसिंग मेरे साथ होगी, आपके बच्चों की ब्लेसिंग मेरे साथ होगी। क्यों सबने आशीर्वाद क्यों दिया? सबके दिल में हम जगह कैसे बना लिए? एक साधारण आदमी, मेरी औकात नहीं, जब सबको हमको, सब लोग हमको मिटाने की तैयारी किए हुए हैं। एक व्यक्ति को फिनिश करो, पॉलिटिकल फिनिश करो, जो फिनिश करना हो करो, का है? अब हमको बताइए ना, इतनी बड़ी साजिश क्यों? और एक पूर्णिया की जनता ने जाति धर्म से अलग हट करके अपने बेटे के लिए कि मुझे कोई नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। सभी दल के जो व्यक्ति, कोई दल सर, सबको थैंक्स देता हूँ सर। हमको क्यों, हमको खत्म करने की साजिश क्यों सर? क्यों सर? आप बोलो ना, मेरी क्या है औकात है सर? मैं बहुत साफ हूँ, मुझे विकास के अलावे और गरीब के आंसू पोंछने के अलावे और परिवार के लिए जीने के अलावे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना रहेगा। मैं इतना जानता हूँ सबका ब्लेसिंग है, राहुल जी से प्रियंका जी सबकी ब्लेसिंग है। मैं थैंक्स दूंगा, हर दल के वर्कर को थैंक्स दूंगा और हर जाति के वोटर को जो मैंने बेटा बना लिया। और पूर्णिया को मेरा मंदिर है, भगवान है, काबा है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है, सब पूर्णिया है मेरे लिए। मैं सब ने छोड़ दिया, पूर्णिया ने नहीं छोड़ा, इसलिए पूर्णिया के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। हर परिवार के लिए मेरी सांसें, हर परिवार के लिए, हर परिवार, हर परिवार तो परिवार सर। मुझे गंदी राजनीति नहीं आती, मुझे माँ बहन करवाने नहीं आता। आपकी लड़ाई किससे है सर? ये कोई नहीं, किसी से नहीं, जनता लड़ रही है और जनता की लड़ाई किसी से नहीं होती, भगवान की लड़ाई किसी से नहीं होती। दूसरे नंबर पे कौन हो? मुझको नहीं पता भैया, मैं नहीं जानता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर गाली देने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि आज पूर्णिया को दुनिया देख रही है, इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं होगा। 4 तारीख के बाद जिसने महाभारत की पटकथा लिखी, बिल्कुल पूर्ण होगी। प्रशांत जी, एक सवाल हमारे तरफ से कर लीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोहिणी के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे, ये बात वो भावनाओं में बहके कह रहे हैं या वाकई वो जाएंगे? अच्छा पप्पू जी, आप एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि रोहिणी के प्रचार में आप जाएंगे, ये आप भावना में कह रहे हैं या सच? मैं भावना वावना में नहीं बोलता हूँ, मैंने तो पहले कहा कि साहबुद्दीन जी के परिवार के लिए मैं जाऊँगा, मैं कोई भावना में नहीं बहता हूँ। रोहिणी जी या मिश्रा जी अरे समझेंगे कि पप्पू जी को आना चाहिए और जरूरत है तो मैं जाऊंगा। यानी वो बुलाएंगी रोहिणी आचार्य, तभी आप जाएंगे। पप्पू जी, जो राजेश हमारे एंकर हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको बुलाया जाएगा तब आप जाइएगा या खुद जाइएगा? सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेरी ब्लेसिंग तो खुद है वो जीते हैं, लेकिन मैं अपने मन से तो नहीं जाऊंगा ना, कांग्रेस के लिए तो जाऊंगा निश्चित रूप से। जिस परिवार ने आपको पूर्णिया टिकट से वंचित किया, उस परिवार के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, निश्चित निश्चित, ये बकवास बात है, निश्चित। उसने क्या किया वो जाने, उनका धर्म था वो जाने, वो जाने। बिच्छू का धर्म होता है काटना, संत का धर्म होता है उसे साधुता का धर्म पालन करना, जिसका जो धर्म है वो करे। फल पर चोट लगती है, ईटा फेंकते हैं बच्चे, मिठाई होता है ना, खेत में हल चलता है, छाती में दर्द होती है, खेत यदि दर्द करने लगे तो खाना कौन दे? छेनी हथौड़ा चलता है पत्थर पर, तो भगवान मूर्ति तो बनेगी नहीं यदि पत्थर पर यदि दर्द हो रहा है। वोटिंग के बाद लालू यादव मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पिता की तरह सम्मान रहेगा, पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, हमेशा जो आशीर्वाद लेते हैं भाई, आशीर्वाद लेने तो दुर्योधन भी गया था, मिला तो था अर्जुन को, रावण भी पूजा करते हैं शिव की, तो क्या उसका क्या हो गया? तो इसीलिए बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। यदि 80% से एक एक लोगों का भी कम वोट प्राप्त हो पप्पू यादव को तो आप बोलिएगा, आप जाइए। तो 80% लोगों का आशीर्वाद यदि ना प्राप्त हो तो सर, मैं एक बेटे के रूप में किया है सर, मेरे पास कुछ नहीं था, जो था मेरे माँ बाप का, दादा नाना का था, पीछे में 90 कट्ठा ज़मीन है सर, बेच के मैंने पटना के बाड़ में लगाया हूँ। आप किसी से पूछो ना पूर्णियावासी से, मेरे घर के बगल में 5 बीघा जमीन बेच करके मैं लगाया हूँ सर कोरोना में। सर ये लड़ाई चुनाव कैसे लड़ा हूँ आप नहीं जान सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं सर, मैं तो बेच के मैं दुनिया को, मैं तो हमेशा आप देख लो मेरा क्या हिस्ट्री रहा है, चाहे भूज में हो, चाहे गुजरात में हो,
जब जहाँ कोई संकट आई हम वहाँ गए, चाहे मणिपुर में हो, बिहारियों पर जहाँ संकट आई है, जब भी कोई ह्यूमैनिटी की बात आई हम वहाँ गए। पप्पू यादव पूर्णिया को कैसा बनाना चाहते हैं? वह आपको पता है गडकरी जी ने क्या कहा था, आपको पता है कि वैशाली से लेकर के, हम सफर से लेकर के, हाटे बाजारे से लेकर, जनहित से लेकर, सारे ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? राजधानी का उद्घाटन सी के जाफर से, सब जाफर शरीफ के समय किसने किया? आपको सब पता है कि डेवलपमेंट के मामले में बिजली यहाँ कितना रहती थी, यहाँ पर कोई शोषण नहीं हो सकता था, भ्रष्टाचार 6 महीने के अंदर ख़त्म करेंगे सर, नहीं ख़त्म किए तो राजनीति छोड़ देंगे सर, 1 पैसा नहीं लेने देंगे किसी अफसर को, किसी अफसर साई मिटा देंगे सर। ये नेताओं जो मूर्ख समझते हैं जनता को, और हिटलर के तरह कभी एनडीए को दे दो, कभी इंडिया हमको नहीं दो एनडीए को दे दो, तो वहाँ क्या बोलेंगे? मूर्ख नहीं है जनता, जिस जज्बात को तू खेले हो ना, सेंटीमेंट को खेले हो, वो नहीं चलेगा। आप बेफिक्र रहिए, जनता नहीं मानती है उसको, हम भी नहीं खेल सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है, कुछ लोग अपने को महाराजा और राजा के तरह राजनीति करते हैं तो करें जाति के आधार पर, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी एक ही जाति है जिसने मेरे माँ बाप ने, मेरे समाज ने, मेरे जात के लोगों ने संस्कार दिया है, वो इंसानियत का और सबको ले चलने का, और आज वही इंसानियत के कारण आज सब लोग मेरे साथ हैं। मैं कह दिया पूर्णिया का हर घर मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मैं कोई फर्क नहीं होने दूंगा, जब तक जिंदा रहूँगा आंसू पोछूंगा, मेरी शरीर का एक एक खून का कतरा बिक जाए लेकिन गरीब का आंसू नहीं बहेगा, मैं सीधा जानता हूँ सर, सीधा सर सब कुछ बेच दूंगा गरीब के लिए। सबने मुझे छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ा सर, पूर्णिया ने और देश ने गले लगाया सर, अब इसी के लिए जीना है, जीना यहाँ, मरना कहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ सर, इसी के लिए जीना है, मुझे अब कोई काम नहीं है सर, सिवाय जनता के। जनता ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, पूरा शरीर समर्पित है सर, 4 जून के बाद सब कुछ जनता के लिए, जो बची लाइफ है हर घर के लिए सेवा करूंगा जी, किसी की खुशी में दखल नहीं देने दूंगा किसी को, और जात पात की राजनीति को मिटा दूंगा, हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। बिल्कुल।